दूर भाई नहीं रहा मैं जयपुर का धोबी का मार्ग वाला बच्चा. वी हैव मूव्ड अप इन द वर्ल्ड. लाइफ चेंज ब्रो. लुक एट दिस ओट मिल्क भाई. ओट मिल्क नॉर्मल दूध नहीं पी रहा. प्लांट बेस्ड मिल्क. ब्रो गिव मी 6 मंथ्स आई एम गोना कम आउट एज बाइसेक्सुअल वीगन. प्लांट बेस्ड. ओ भाई मैंने बोला था ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले अल्कोहल छुपा के रख देना. सस्ती दारू दिखा रहे हैं भाई वीडियो पे. भाई सस्ती नहीं है वो. कितने की है भाई? महंगी है वो. इफ इट्स नॉट सिरॉक एंड ग्रे गूस वी आर नॉट इवन टॉकिंग. नाउ इफ यू हैवंट नोटिस्ड हमारे घर में अभी ज्यादा कुछ है नहीं. इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट द हाउस इज because owner forgot to use furniture bhi provide karna hai. ye sab to in fact abhi tak gaddon par hi so rahe hain. but yes we did go with a 6 bhk. so ye first floor hai. upar second floor hai. yahan par do bade bedrooms hain. is wale bedroom mein they are making a studio for the podcast but isme abhi kaam chal raha hai. then we have the second bedroom over here. again sare rooms mein balcony aur washroom hai. is wale ka to kafi bada hai. ha bhai bro what the fuck bhai mera wale ka itna chhota sa washroom hai. yahan pe kuch hai bhi nahi भाई. टी शर्ट से मुंह साफ करो. सी दिस इज व्हाई आई एम शोइंग यू द रियलिटी ऑफ शेयर्ड फ्लैट्स ब्रो. कुछ सुंदरता नहीं है यहाँ पे. इट्स अ मेस. दिस हाउस इज डूम फॉर डिजास्टर. देन मूविंग ऑन वी हैव दिस जायंट किचन. ऑब्वियसली किसी भी शेयर्ड फ्लैट में किचन इज द वर्स्ट थिंग एवर. ठीक है सिंक तो मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता. इतना गंदा है वो. हमारी तो भी प्रॉपर मेड भी नहीं आई है भाई. पूरा किचन सुधा पड़ा है. किचन या मेड? We have an air fryer, rice cooker, जो मैं अपने पुराने वाले किचन से लेकर आया हूँ. मैं और भी चीजें भिजवाई थी, utensils, cutleries, but आधी से ज़्यादा चीजें लापता हो गई transit में. They are probably in Africa, not don't ask how. हमारे पास ये है, क्या कहते हैं इसको? Aeropress, French press, जो भी कहते हैं. I think proper coffee machine भी है यहाँ पर. कहाँ पर है? हाँ ये रही. प्रॉपर एक्सप्रेसो कॉफी मेकर. ये अनिश की है. मैं ये यूज नहीं करता. आई जस्ट यूज अ ब्लेंडर. मेरा ब्लेंडर I use this blender. I mean, most likely इस कॉफी मशीन से जो कॉफी निकलेगी वो प्रॉब्ली बेटर होगी. बट दिस इज नॉट बैड. आई लाइक दिस फ्लेवर फ्रेंच वनीला. आई पुट 5-6 ग्राम्स ऑफ दिस. ब्रो 1 ग्राम में 36 मिलीग्राम कैफीन है. सो अगर मैं 5 ग्राम डालूंगा दैट वुड बी 180 मिलीग्राम कैफीन. अगर 6 डालूंगा तो 216 मिलीग्राम कैफीन. ब्रो इवन द साउंड इट्स मेकिंग. एंड यस यहाँ किचन में भी बालकनी है. मैं ये नहीं खोलने वाला बाय द वे बिकॉज अपेरेंटली यहाँ पे कोई कॉकरोचेस का इन्फेस्टेशन है. एंड इफ यू डोंट नो आई हेट इंसेक्ट्स. बग्स, कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर्स, एनीथिंग दैट जंप्स और फ्लाइज आई हेट इट. आई हेट इट ब्रो. आते भी इतने बड़े बड़े वाले कॉकरोचेस है ना यहाँ पर. कल तो छोड़ रहे थे. And the thing is, जिस दिन हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे यहाँ पर मादरचोद कौवा पड़ा हुआ मिला था मरा हुआ यहाँ. So this is not Vietnam. ये क्या homecoming food serve कर रहा है? Freezer. I'm not even gonna show because I don't want to incriminate. Okay, that sounds weird. मैं ड्रग्स का रेफरेंस दे रहा था बट दैट केम आउट सो बैड. क्या रखा है इसमें? आई थिंक लेफ्ट ओवर्स पड़े हैं. पनीर की सब्जी पड़ी, किसी ब्लैक कॉफी पड़ी है. आई नो मैंने इसके बारे में कहा था. मैंने ड्रिंकिंग स्टार्ट नहीं कर दी है. आई स्टिल डोंट ड्रिंक बट आई डोंट गेट की लाइक अगर तुम्हें मेरे सामने पीनी है पी लो भाई. आई डोंट गिव अ शिट. आई डोंट केयर. तुम्हें जितना पीनी है पी लो. तुम्हें जो फूकना है फूक. बस मैं नहीं करूंगा बट आई डोंट हेट यू. तुम्हें जो करना करना. That's why we like you. Okay, first floor done. Then moving on to the second floor. ये एक तो lift है ना इतनी मात पहली बात तो ये चल नहीं रही. ऊपर से जब चलती है ना दिस इज द स्लोएस्ट लिफ्ट एवर. और ऊपर से फिट नहीं होंगे यहाँ पर. मैं फिट हो जाऊंगा, तू फिट हो जाएगा, वो नहीं फिट होने वाला. ब्रो इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग. इट्स द स्लोएस्ट लिफ्ट एवर. मूविंग ऑन टू सेकंड फ्लोर. व्हाट द फक इज दिस भाई? ये कौन भोसड़ी का है जिसको जिंदगी से इतनी पिनक मच रही है भाई? फर्श पे कपड़े डाल रहा है वो भाई. वो मेरे भाई कच्चे क्यों डाल रखे हैं तूने फर्श पे? Now if you haven't noticed, second floor बिल्कुल चुदा पड़ा है. खोपड़ी है पूरी दीवार. And the thing is, router को यहाँ लगाने के लिए हम कील भी नहीं ठोक सकते वरना पूरी दीवार ढह जाएगी. ऐसी हालत है. So yeah, इस फ्लोर पे 4 bedrooms हैं. To the left, we have the biggest bedroom of the house. This room has a full walk-in closet. फुल वॉक इन क्लोजेट भाई. और इसका आई थिंक वॉशरूम भी काफी बड़ा है. नहीं ये मेरा रूम नहीं है. इस अपार्टमेंट में 7 जने हैं टोटल. 4 अंडरग्रेड के मेंबर्स हैं, 2 एडिटर्स हैं. रूम्स हैं इसमें टोटल 6 बट उनमें से एक पॉडकास्ट के लिए यूज हो रहा है तो बच गए रूम्स 5. तो 7 जनों को 5 रूम्स में रहना है. 2 बड़े रूम्स हैं उसमें 2 जने रह रहे हैं. तो इस रूम में 2 जने रह रहे हैं. देन वी हैव द सेकंड बिगेस्ट बेडरूम इन द हाउस. ये अनीश का है. अनीश इन लोगों का मैनेजर है. बाय द वे व्हेन आई से मैनेजर इट साउंड्स लाइक इट्स सम ओल्ड डूड. यहाँ पे कोई भी ओल्ड नहीं है. यहाँ पे सब अर्ली 20s में. वो बच्चा ही है. This room might have the second best view. Best mirror है obviously. भाई तुम लोगों ने है ना net लगा के है ना मार दी. और यहाँ पे by the way since इस जगह का rent बहुत आया है यहाँ पे जो भी लोग आते हैं ना काम करने they are used to scamming people. Like उनको तुम net लगाने को बोलेंगे 20,000. 4,000 दिया ना तुम लोगों ने? नहीं भाई. कितने दिए? नहीं कुछ दिए ही नहीं. हाँ.
आई थिंक इसका तो नॉर्मल वॉशरूम है ये. एंड वी हैव टू स्टैंडर्ड साइज रूम्स. ये मेरा है एंड ये अमीन का. अमीन इज स्लीपिंग विद मी. दैट साउंड्स सस. Now on to my room. अगर तुम सोच रहे हो wow, this room looks so much better than all the other rooms, it's because I designed it. अगर तुमने इन लोगों के rooms देखे ना, you would know my taste is so much beyond these inferior human beings. I have taste, bro. I have class. Every single woman that has touched this bed has been no less than a 10. And यहाँ पे bro कुछ ऐसे लौंडे हैं, they will fuck anything that walks. मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, but यहाँ पर एक बंदा randomly दो लड़कियों के साथ आ गया था and उससे पूछा ये कौन है. This motherfucker says these are highest tier members. ये कौन सी फर्क है? मैं अपने मेंबर्स का नाम आउटरो में डालता हूँ, ये मदरचोद मेंबर्स के अंदर डाल रहा है. Just look at the color coordination. This IKEA carpet goes with the sofa. This bed goes with that table. This floor goes with the wardrobe. Speaking of wardrobe, let's see इसके अंदर क्या है. यहाँ पर t-shirts and hoodies वगैरह पड़ी हैं. यहाँ पर we have jackets and overshirts. This is a black denim which I find pretty good. ये मैंने वियतनाम में पहना था. दिस भाई ये टी शर्ट मैं हर जगह पहन चुका हूँ. इसको इतनी मिल कर चुका हूँ ना इस टी शर्ट को. इट्स लाइक माय सिग्नेचर दैट टी शर्ट. इट्स फ्रॉम S3L. एंड दिस जैकेट इज क्वाइट कूल. मेरे पास जैकेट बहुत सारी है बट मुंबई में पहनने का चांस ही नहीं मिलता. लेकिन मैं फिर भी उस ब्लॉग में पहन के चला गया था. आई डोंट केयर. मुझे ऐसे ना बाहर हाफ स्लीव टी शर्ट में जाना बहुत अजीब लगता है. आई फील नेकेड. देन वी हैव अ बंच ऑफ ब्लू डेनिम्स. भाई ये सेम नहीं है, सारी अलग अलग है. दिस इज लाइक पैच्ड. दिस इज वेरी कूल. ये भी मैंने वियतनाम ट्रिप में पहना था. एंड ये मैंने शिमला वाली ट्रिप में पहना था. नाउ मोस्ट ऑफ दीज आर इंडियन ब्रांड्स. एक्चुअली फन फैक्ट, इनमें से एक ब्रांड रीच्ड आउट टू मी, एन इंडियन डिजाइनर ब्रांड. दे सेड कि दे वांट टू मेक अ कस्टमाइज हुडी फॉर मी. ब्रो इट्स क्रेजी. लाइक मैं उस ब्रांड का बहुत बड़ा फैन हूँ. एंड दैट्स नॉट इवन फॉर सेलिंग. लाइक दे जस्ट वांट टू मेक अ कस्टमाइज हुडी फॉर मी टू वेयर. फॉरेन डिजाइनर ब्रांड्स मेरे पास आई एम गोना बी ऑनेस्ट इतने नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑलरेडी एक्सपेंसिव. ऊपर से इंडिया में जाके वो और एक्सपेंसिव हो जाते हैं, विच इज वाई जॉर्डन्स हमारे कंट्री में बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. बट आई have this one brand which I fucking love. So this is by Heron Preston. I love this brand, bro. Agar mere paas like if I was rich like main inke sare kapde khareed leta, but this is the only thing I have of them. Sneakers jab maine last time dikhaye the, I think maine जयपुर वाले एक वीडियो में दिखा दे, तब मेरे पास दो तीन ही थे, अभी पांच हो गए. आई डोंट रियली हैव होप्स कि बड़ा कलेक्शन बनाने के लिए, बट जो मुझे पसंद आते हैं ना आई डू बाय देम. फेवरेट स्नीकर्स ऑफ ऑल टाइम माइन, नाइक एयर फोर्स वंस. ये नाइक एंड ऑफ व्हाइट का कोलैब है. ये आई थिंक कुछ ही आउटफिट्स के साथ मैच करता है. इट्स फनी, इसके साथ भाई एक वो आया था, टैग आता है ना ऑफ व्हाइट. दिस ब्रो इट लुक्स फकिंग वियर्ड ऑन दिस, इसलिए मैंने काट दिया था. देन वी हैव मेरे सबसे पहले स्नीकर्स, नाइक एयर मैक्स. आई थिंक ये सिर्फ फॉर मी मोनेस 4-5 हज़ार के थे. तब के लिए मेरे लिए बहुत पैसे थे वो. देन जो दो मैंने अभी रिसेंटली लिया, कॉन्वर्स एंड इजी. ब्रो दे आर सो लाइक मीमी. इतने बड़े शूज है ना ये. दीज आर लाइक कॉन्वर्स रन स्टार मोशन आई थिंक. एंड लेटेस्ट परचेज इजी 500. ये मैंने स्ट्रीम पर भी अनबॉक्स करा था. मैंने स्ट्रीम में बोल दिया था कि आई लाइक कान्ये वेस्ट म्यूजिक. ब्रो आई गॉट सो मच शिट फ्रॉम सम पीपल. लाइफ ऑफ पाब्लो इज प्रोबब्ली माय फेवरेट एल्बम ऑफ ऑल टाइम. देन वी हैव द वॉशरूम. आई मीन वॉशरूम इज लाइक नथिंग टू स्पेशल. स्टैंडर्ड वॉशरूम. मेरा तो इतना कुछ है भी नहीं, बट हाँ काम चलता था. ब्रो यहाँ पे ऐसे रैंडमली बर्थ कंट्रोल पिल क्यों पड़ी हुई है? That is not mine. तेरा ही तो रूम है. My room has been used by other people. कोई यूज नहीं करता भाई तेरा रूम. तू बस ऑर्डर लेने के लिए बाहर आता है भाई. Bro, मैं सही बता रहा हूँ. I rarely leave this room. मैं पूरा टाइम इसी रूम में बैठा रहता हूँ. मैं यहाँ बैठ के एडिट करता रहता हूँ या कुछ भी करता रहता हूँ. सिर्फ मैं एक चीज के लिए बाहर आता हूँ, वो है ऑर्डर लेने. That is it. Then we have my single bed. Bro, I love single bed. They save so much space. Plus, this is where I make love to. Bro, what the fuck, boy? What? Okay, we'll cut that. We'll cut that. सेटअप मेरा ऑलमोस्ट सेम ही है. आई जस्ट यूज दिस लैपटॉप. नाउ आई डू गेट कॉमेंट्स कि ये लैपटॉप कौन सा. इट इज एसुस रोग स्ट्रिक्स जी आई थिंक. i5 9th जेन 8GB रैम के साथ आया था, जो कि मैंने अपग्रेड करा के 24GB कर लिया. आई थिंक मैंने एक 16GB की प्लेट डाल दी. बट ये मेरे पास कोई PC वगैरह कुछ नहीं है. मेरा सब कुछ इसी पर होता है. एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, लिटरली एवरीथिंग हैपेंस ऑन दिस लैपटॉप. अभी तक जो भी मैंने वीडियोज डाली है, all thanks to this. I might sell this in a few weeks. I'm planning to upgrade because मैंने काफी time से use कर लिया है. And I'm thinking of either getting Asus Car 17 या फिर Lenovo Legion 7. ये like OG viewers को ही पता होगा. This is one of my very first vlogs जिसमें I threw a dice on this map and जहाँ पर वो land हुआ था, I went there. देखो पता सबसे पहले कहाँ land हुआ था? नहीं. It landed on India-Pakistan border. What the fuck? Then we have by far the best part of this. Not even this room, probably the entire apartment. Bhai, would you agree? This is the best view. This is the best this view. This is the best view. इसकी windows इतनी नाजुक है भाई. जैसी आंधी चलती है ना, ये video ऐसे ऐसे पूरी आवाज करती हैं.
तो ये पहली बार होने वाला है जब मैं मुंबई का हैवी मॉनसून एक्सपीरियंस करूंगा। तो लिटरली दो मिनट में चेंज हो गया, अब धूप आ गई। व्यू तो इज लाइक क्लासिक मुंबई। स्ट्रेट देखोगे तो सिर्फ स्काई स्क्रेपर दिखेंगे ब्यूटीफुल। नीचे देखोगे आई नो पीपल ट्रोल करते हैं मुंबई को बहुत ही स्लम्बई। इफ यू हैव सीन माय गूगल अर्थ वीडियो यू नो कि मैं भी कोई ढंग के इलाके से आया नहीं हूँ। आई डोंट रियली माइंड। द गुड थिंग इज एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, हमारे सामने कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग थी, सो ऑल द लाइट इज कमिंग टू अस एंड द व्यू इज वेरी ओपन। एंड रात में तो ब्रो दिस लुक्स फकिंग अमेजिंग। अगर तुम काफी जूम करोगे ना तुम्हें स्काईलाइन भी दिख जाएगी यहाँ। Okay, in all seriousness, I am very, very, very thankful to each and every single one of you who watches these videos. I remember last year, November, December ke time, this is before KSI video, I used to make like meme reviews, commentary videos type, and I think har video pe 3-4,000 views aate the. And bro, I loved it. Like ek choti si small cult following, like jo har ek video dekh rahi hai, I genuinely loved that. Us time ke logo ke mujhe names abhi tak yaad hai. So I'm genuinely very grateful to those people who have stuck around. And even though who have joined recently bro, like believe it or not, I'm money se itna motivated new, which is why my videos mein I don't care about spending money as long as it's for the content. Maine genuinely ye channel sirf ek reason ke liye start kiya tha, I wanted to make videos and I think wo mentality mera abhi bhi hai bro. If I wanted to solely make money, main sirf meme reviews banate rehta bar bar meme reviews and commentary videos, because usme zero paise lagte hain. Whereas IRL videos mein like Shimla, Vietnam, first of all usme zyada effort lagta hai, like 2 din filming, fir 5-6 din editing, fir sub टाइटल के लिए अलग टाइम लगता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली IRL वीडियोस में बहुत बहुत ज्यादा पैसा लगता है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डोंट इवन मेक प्रॉफिट फ्रॉम दीज वीडियोस। वियतनाम वाले वीडियो पे आई थिंक 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं एंड तब भी आई डोंट थिंक उस पे आई हैव ब्रोकन इवन। द ओनली रीजन आई डू दोस वीडियोस इज बिकॉज़ आई डोंट नो, मुझे क्रिएटिवली वो वीडियोस ज्यादा फुलफिलिंग लगते हैं, दैट मेक्स सेंस। एनीवेज द पॉइंट इज मैं मीम रिव्यूज बनाने बंद नहीं कर रहा, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू पुट माई सेल्फ इन अ बॉक्स। ओके सो अभी हम जा रहे हैं क्रोमा टू सी सम लैपटॉप्स एंड रात को आई एम टेकिंग द बॉयज आउट टू अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। ये इन लोगों की बहुत शिकायतें थी कि मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता हूँ, सो आई एम ट्राइंग टू मेक अप फॉर इट। ऑटो ही नहीं मिल रही, अनीश से बोला कार की चाबी दे दे, हम पूरा पार्किंग सर्च मार लिए, कुछ नहीं मिला कुत्तों के अलावा। क्रोमा वो का रिप्लाई नहीं दिया, एयर मार के चला गया। मैंने सुना बैंड इज लाइक इट्स मोर प्लेजरेबल फॉर द गर्ल, आई गेस डिपेंड की कंसेंट लिया हो या नहीं। और मैं विदाउट कंसेंट करता हूं। ओके आई होप तेरे मम्मी पापा देख रही है। Guys, I fucking hate Mumbai traffic, bro. 1 किलोमीटर दूर है और कब से एक ही जगह पे खड़े हैं। 15 मिनट दिखा रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है और लिखा है ऑब्जेक्ट ऑन रोड। भाई कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे? किसी ने डेड बॉडी पता? See, this is why there can be a case made for terrorism. क्या हो गया? टेररिज्म नहीं, दिस इज वायर कैन बी अ केस मेड फॉर थैनोस। गाइस फाइनली हम पहुंच गए। इमेजिन अब कुछ भी नहीं खरीदा अपन ने। भाई यहाँ पे जो हम लैपटॉप लेने आए थे वो है ही नहीं, ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने तेको दिया था, मजाक मत कर। मैं गांड मार दूंगा, मैं सरिया डाल दूंगा, सही बात। That was fucking pointless. जो लैपटॉप मुझे चाहिए था वो मिला ही नहीं। MSI के तो उनके पास थे ही नहीं लैपटॉप। Asus का जो चाहिए था वो भी नहीं था उनके पास। हम इतना दूर गए, लिटरली स्क्रीन गार्ड लगाकर आए हैं इसका मान। बैंड्रा वेस्ट मुंबई, बेक्ड ब्लैक कॉर्ड विद गार्लिक 4965। ब्रो व्हाट द या, कैन आई हैव वन बेक्ड ब्लैक कॉर्ड विद गार्लिक? टू पे कर रहा है ना, वन हेनेसी? ना, हेनेसी नहीं, हेनेसी नहीं। हाउ मच वाज हेनेसी? 9000 प्लस टैक्स। ओके लेट्स लीव। ओके वो मेक श्योर कर रहा है तू पे कर लेगा ना। तो ब्रो आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्रोसेस कि हमने 5000 की मच्छी ऑर्डर करी है। टीवी रोड पे इससे सस्ती मिलती है, बेटर कुक्ड एंड कम्स विद टू साइड्स एचआईवी एंड एड्स। व्हिच फिश आर यू टॉकिंग अबाउट ब्रो? यू शुड रिस्पेक्ट मी दो, लाइक मैंने तुम्हारे लिए आई बॉल्ड आउट। कैसे खाते हैं? एंजॉय इट ब्रो।
Is it bad? He's got mood. Let me see. This is something I would buy in front of a girl to impress her. That's what I did. See? अबे होने वाला 1200 का है। मैं खा लेता हूँ। Do you wanna pay service charge? Fuck no, bro. By the way, service charge mandatory नहीं होता जो बिल में आता है। अगर तुम उससे बोलोगे ना कि हटा दो, they have to remove it. उसके बाद तुम अगर dessert मांगोगे तो चुप के देगा। उसका तो mood ही खराब हो गया। भाई क्या हो गया? क्या scene हो गया? कार्ड रखते हैं अपन दोनों. Let's do it fairly. Guys, the bill has come out 8322. We are gonna put our cards and waiter जो भी उठाएगा, that person has to pay. I hope it's on me. Now it was worth it. Am I successful? I maza aaya yaar. So this is the best dinner I've had in my life. Dessert manga le. Chal bro, abhi picture to bhi baki hai. Movie ka bhi maine hi pay kara hai. Inhone ghanta kuch pay nahi kara. I love Zed. Chal, chal. Bekar restaurant. These flowers are not even real. Let's go, जल्दी से चल भाई, बैग वहीं छोड़ दे भाई. मुझे बहन का एक सेकंड मिस हो जाएगा भाई, मैं रो दूंगा यार. मैंने पे करे हैं वो के सब. आराम आराम से चल रहे हो तुम? चलना भाई जल्दी. I paid 4000 for this. 10:45 का शो था भाई हमारा. तू तो ऐसे मत बोल, तूने स्टॉल करी है दो बार गाड़ी. ब्रो मैं गोयन को देख के हिला. ब्रो द मूवी वाज अमेजिंग. पर भी काफी बहुत लाइक काफी स्टिमुलेटिंग मूवी थी. दैट्स ऑल आई एम गोना से. एंड गोयन वाज ओह. अभी हमको भाई कैब लेने जाना है, अपनी कार ही पिकअप करना है क्योंकि पार्किंग नहीं मिली थी. दिस इज मुंबई, दिस इज व्हाट इट इज. सो या आई थिंक दिस इज इट फॉर द व्लॉग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.